नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि खेल है वो सिर्फ 10 दिन का है, और जो हमारी सफलता है, जो हमारा सिलेक्शन है वीडियो के अंदर, वो 10 कदम दूर है, 1 कदम दूर मानो आप, 10 का मतलब 1 कदम दूर है। जैसे ये 9 जुलाई को पेपर होता है, तुरंत 10 तारीख को आपको दूध का दूध और पानी के पानी साफ, ऑलमोस्ट तस्वीर साफ हो जाती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर ऐसा हो सकता है कि अपने को मन की संतुष्टि के लिए हम कहते हैं कि भाई रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट में शायद हो जाए। नहीं, सबको पता है, सब अच्छे से पढ़ते हैं, इस प्रकार से आंसर के मिलाते हैं तो सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब इस समय वीडियो 9 जुलाई को पेपर है, दिल की धड़कन तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। बहुत कॉमेंट आते हैं कि सर क्या करें, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता ही कुछ ऐसा है। जैसे जैसे नज़दीक आएगा, दिल की धड़कने तेज़, खाना खाना भूल जाओगे, मतलब रोटियां भी नहीं भाएंगी आपको, मतलब क्या करें क्या नहीं करें, मतलब एक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो इसी बीच कहीं ना कहीं गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गलती होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर गलतियाँ होंगी। हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ें, जितने दिन नज़दीक, जितने दिन कम बचेंगे ना, उतना ज़्यादा हम फास्ट दौड़ने की कोशिश करेंगे कि ये भी ले लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये कर लें, मतलब सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी जानते हो कि चारों तरफ अगर हाथ मारते हैं ना, तो डूबने की आशंका ज़्यादा रहती है। पानी के अंदर ध्यान करना, अगर आप ऐसे चारों तरफ हाथ मारोगे, तैरना आपको नहीं आता है, बट आप चारों तरफ हाथ मारोगे ना, तो जल्दी डूबोगे आप, जल्दी डूबने की आशंका रहती है। तो कुछ ऐसा ही इसी के अंदर होता है। अगर आप ज़्यादा भाग दौड़ लगाओगे इधर उधर, तो समस्या हो सकती है। क्या करना और क्या नहीं करना, इस बात का थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखना है। देखिए, 9 जुलाई को पेपर है और आज है 26 तारीख है, ज़्यादा कोई समय नहीं बचा। मैं 10 दिन मान के चलता हूँ कि भाई 10 दिन आपके पास है, फिर तो आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। पेपर का जो सेंटर कहाँ पे आता है, अपने इन 10 दिनों के अंदर ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है। पहली बात ध्यान में रखना, कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करना, नया कुछ भी आपको नहीं करना है, क्योंकि नया करने के लिए समय हमारे पास है ही नहीं। पहली बात ये कि समय नया था, करने का समय था, उस टाइम हमने नहीं किया। बट अब अगर किसी के कहने पर, जैसे कि नया करने का मतलब कोई बुक लेके आ गई, अब भाई 10 दिनों के अंदर आप बुक लेके आओगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी वाली बात है। या 10 दिन के लिए कोई आप वीडियो लेक्चर देखते हो, मतलब कोई कोर्स खरीदते हो इसमें कि वीडियो लेक्चर से कंप्लीट कर लें या ये वो कर लें, हो सकता है कि कुछ शॉर्ट चीज़ें हो सकती है ना, जैसे करंट जीके का कुछ हो सकता है कि एक मैराथन क्लास होगी करंट जीके की, तो वो एक फैक्टर होता है। अब आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो सारे तो पॉसिबल ही नहीं है, मेन चीज़ हम कवरअप कर सकते हैं, तो ज़्यादा ना कुछ नहीं करना है। तो पहली बात तो नया ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर शॉर्ट में जैसे करंट जीके की बात कर रहा हूँ, तो वो 1 क्लास 2 घंटे की मैराथन हो सकती है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम राजस्थान जीके की बात करें, तो उसके लिए पूरा नया करना स्टार्ट कर दें कोर्स, तो फिर मजे वाली बात नहीं होगी। फिर विश्वास सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, यानी जितना आपने कर लिया ना, सफिशियंट, नया मत करें। आपको डराने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है यहाँ पर। लेवल, एक शब्द मैंने देखा है, बहुत सारे कमेंट आते हैं लगातार, लेवल। अब ये लेवल हो गया, पता नहीं क्या हो गया कि लेवल आएगा, लेव क्या 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 लेवल आएगा, मेरी समझ में नहीं। क्या आपने पढ़ाई नहीं लेवल का, क्या भी आप प्री करके क्लियर आए हो, प्री दिया था आपने, इसी बोर्ड ने करवाया था, लेवल था उसमें भी, आप मेंस में आ रहे हो, तो इसका मतलब आप उस लेवल को क्रॉस करके आए हो। अब फिर ये लेवल लेवल, यानी इसके चक्कर में जो लेवल आपको आ रहा है ना, वो और आते चला जाएगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे कॉमेंट है सर लेवल का, लेवल का भी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लेवल आपका है ना, वो और गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक ऐसी फोबिया घुसा दिया है, इतने कोचिंग संस्थान हैं, ये बोर्ड का डर आपके दिमाग में बैठे है कि बोर्ड बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाता है। भी खतरनाक कुछ नहीं होता, खतरनाक कुछ नहीं होता। ये बताओ कि आपको एक एक बाइक आपको चले एक बाइक दे दी, जैसे हीरो होंडा की बाइक आपको दे दी, मतलब हीरो होंडा तो अलग अलग हो गया, होंडा की आपको बाइक दे दी, होंडा साइन आपको चलाने को दे दी, आपने चला दी, उसको सीख लिया, फिर आपको टीवीएस की कोई बाइक दे देगा, या फिर आपको कोई बुलेट दे देगा, भी चलाओ इसको, चला सकते हो कि नहीं चला सकते? चलाना तो आपने सीख लिया ना। तो भी प्री के अंदर जो पढ़ा था ऑलमोस्ट तो वही है, 90% तो वही है, 10% कुछ डिफरेंस है, क्वेश्चन वही आते हैं, लेकिन माइंड वहां पर आपका सेट नहीं होता, क्योंकि आपके वहां प्रेशर रहता है पहले से कि पेपर तो हार्ड ही आएगा। पहले से मन बना रखा आपने कि पेपर तो हार्ड ही आएगा, क्वेश्चन बहुत खतरनाक आते हैं। भी आपने तैयारी की है ईमानदारी के साथ में, आपने पढ़ा है जितना सिलेबस में, वो सारा पढ़ लिया है, अब कहाँ से क्वेश्चन है? क्या सिलेबस से बाहर से दे देगा क्वेश्चन? सिलेबस से बाहर से तो नहीं दे सकता ना क्वेश्चन। ये बात ना अपने दिमाग से निकाल दो कि लेवल आएगा, वो आएगा। भी आपने जो पढ़ा उसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, और जो दूसरा आपको कह रहा है कि लेवल आएगा तो तू और पढ़ ले, ये कर ले या वो कर ले,
तो जो आपने पढ़ा वो तो आप साफ कर दोगे और दूसरे जो देगा कम समय उसे भी कवर नहीं कर पाओगे। तो दोनों चीज़ों से दोस्तों आप हाथ धो बैठोगे। बात करते हैं 10 दिन की। समय होता तो मैं आपको बता दूँ 10 दिन के अंदर हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, जितना पढ़ा है उसको क्विक रिविजन का आपको करना है, रिविजन करना है। अब ध्यान सुने, यहाँ पर मोटे तौर पर 10 दिन के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है आपके, देखो यहाँ पर मोटे तौर पर अगर मैं देखूँ, सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ को आप इजीली दोस्तों सोल्व कर सकते हो 10 दिन के अंदर। अगर एक दिन में आप एक टॉपिक भी क्लियर करते हो ना तो 10 दिन में ऑलमोस्ट 10 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं बहुत अच्छे से। कुछ टॉपिक तो छोटे छोटे टॉपिक है जो एक दिन में दो दो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप डेली 2 घंटे 2 से 3 घंटे आप अगर देना चाहो तो मैथ को दो। अगर मैथ आपकी अच्छी, आप मैथ में अच्छा करना चाहते हो, कोई हो सकता है कई स्टूडेंट कहते हैं कि हम मैथ को छोड़कर और सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे, भाई कर सकते हो, आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर डिपेंड है, हमारे कहने से आप नहीं करोगे। तो मैथ को डेली 2 से 3 घंटा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, और डेली दोगे तो आप 10 दिन में 10 टॉपिक तो ऐसे क्लियर होगे, एक क्विक रिविजन बहुत अच्छे से। उसी के साथ दोस्तों आप देखते हैं दूसरा करंट का जो टॉपिक है ना, अब समय है करंट, 8 प्रश्न आएंगे, 8 में से मुझे पता है कि 5 प्रश्न आप कर पाओगे, मैराथन क्लासेस आपको मिल जाएगी पूरा 1 साल का या 1.5 साल का या 2 साल का, एक 2-3 घंटे की क्लास में मिल जाएगा, तो वहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादातर होती है, हो जाते हैं प्रश्न आ जाते हैं बाहर, ऐसा तो नहीं कि वहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत एक्सपर्ट है आपके लिए, बहुत एक्सपर्ट हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आप दोस्तों कवर कर सकते हो। इस समय करंट जीके को भी आपको डेली 1 घंटा देना ही पड़ेगा, 1 घंटा करंट जीके को, जिससे कि 8 प्रश्न आ रहे हैं तो 5 भी से कर पाओ तो ये मैं मान के चलता हूँ आपके लिए बोनस रहेगा। देन उसके बाद दोस्तों अगर आप इंडियन जीके की बात करता हूँ, मैं इंडियन जीके हिस्ट्री की बात करता हूँ, मतलब मोस्टली मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो इसके ऊपर ज़्यादा समय मत देना इसमें, क्योंकि इसके 2 से 3 प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी, 2 से 3 प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी, तो इस पर ज़्यादा समय आपको नहीं गंवाना है। राजस्थान जीके पर ज़्यादा फोकस करना है, ज्योग्राफी के पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, कृषि का जो क्षेत्र है उसके जो प्रश्न आएंगे वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, इस समय एक डिवाइड कर ले टाइम टेबल। उसके बाद अगर हिंदी है, हिंदी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का शायद हिंदी आएगा ना, 30 नंबर का हिंदी आएगा, तो भैया हिंदी में 30 में से 30 ला सकते हो, तो यहाँ पर प्लस पॉइंट हिंदी का बनता है, तो इसको मत छोड़ देना। 10 दिनों के अंदर आप 10 टॉपिक तो है ही नहीं मेरे हिसाब से, 10 टॉपिक नहीं होंगे, और ज़्यादा समझने वाले तो 1-2 संधि समास हो गया और 1-2 टॉपिक समझने वाले हैं, बाकी कोई विशेष नहीं है, तो इनका बहुत अच्छे तरीके से आप अध्ययन करें। ध्यान रखना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या आप 2 महीने समझ नहीं पा रहे हो किसी चीज़ को, छोड़ दो उसको। जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश के अंदर बहुत से कह रहे सर इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, बहुत समस्या आ रही, क्या करें भैया, नहीं आ रही तो इस समय 10 दिन में कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, कुछ कोशिश मत करो, आप छोड़ दो, नहीं आती तो छोड़ दो इसको, जितना होता है उतना कर लो इंग्लिश में, बट बाकी जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर वो टाइम इंग्लिश में दे दो, उन पर टाइम दो आप, जिससे कि आप उसके अंदर इंप्लीमेंट कर पाओ, जो कमी इंग्लिश में रहेगी वो वहाँ से आप पूर्ति कर सकते हो। आप इसके ऊपर भी टाइम दे रहे हो फिर भी आप सीख नहीं पा रहे हो, और यहाँ समय कम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ आप नुकसान कर रहे हो, तो दोनों तरफ आपको नुकसान नहीं करना है। यहाँ पर अगर चीज़ नहीं आ रही तो छोड़ दो, मेरा तो एक ही मोटिव है, जो चीज़ मेरे को 2-3 महीनों से मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँ, अगर मुझे लास्ट टाइम तक मुझे नहीं पता है, नहीं समझ में आ रही, नहीं बैठ रही बात, और 10 दिन के अंदर फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम खराब, तो मैं तो उस चीज़ को नहीं पढ़ता, मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर कोई विशेष ज्यादा नंबर के वेटेज भी दोस्तों इसके अंदर देखने को नहीं मिला। हाँ, अच्छी इंग्लिश आपने कर रखा था बहुत बात है, बट उसका टाइम यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो, इन 10 दिन के अंदर और सब्जेक्ट बहुत सारे वहां पर आप यहाँ गलत होंगे तो वहां सही आप कर सकते हो। एक मेन मोटिव यही भी रहता है कि इस समय नोट्स बनाने की कोशिश मत करना भी, इस समय नोट्स बनाने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, नोट्स मत बनाने किसी भी, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं, अगर लिखने बैठ जाओगे इस समय तो कोई फायदे वाली बात नहीं है, तो नोट्स बिल्कुल भी आपको नहीं बनाना है। बस 10 दिन है, 10 दिन में थोड़ा सा कम सोए, नींद को त्याग दें, क्योंकि नींद अगर आएगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, पहली बात तो मैं ये करूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा, लाइट भी नहीं है, परिस्थिति खराब है, लेकिन आपको इसके अंदर बहुत अच्छा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, रात को लाइट जाती है तो दिन में पढ़ो, गर्मी है कोई बात नहीं, गर्मी है तो आप पढ़ो, इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, इलाज नहीं है। अब एसी तो सबके घर में होती नहीं, कि एसी लेके इन्वर्टर लेके सबके घर में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग RS IAS बनते हैं, है ना, ऊंचे पद पर पहुँचते हैं, बिना सुख सुविधा के पहुँच जाते हैं, तो आपके घर में थोड़ा सा पंखा तो होगा कहीं ना कहीं, है ना, तो आप गर्मी है कोई बात नहीं, 10 दिन है, 10 दिन में कोई आपको जान तो निकलने वाली है नहीं, 10 दिन के अंदर कोई जान नहीं निकलेगी, आप जैसे थे वैसे रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम खा लेना, थोड़ा कम खा लो जिससे कि नींद ना आए, है ना, आप दबा के मत खाना, दबा के खाते हो मेरे को पता है, दबा के मत खाओ, क्योंकि पढ़ते ना जब भूख ज़्यादा लगती है तो हम दबा के खाते हैं उसको, दबा के मत खाओ नींद ज़्यादा आएगी, इसलिए थोड़ा सा कम खाओ, जल्दी उठो लेट सो, क्योंकि देखो इस समय ऐसा नहीं है कोई बोलेगा 8 घंटे पूरे, नहीं, 8 घंटे की नींद से नहीं होगा भैया काम, ये कहने की बात है, करने और करने में बहुत फर्क होता है, वो 1-8 घंटे की नींद होता है, वो एक शेड्यूल जो साल भर अपने को चलाना, वो एक सिस्टम होता है, अपने 10 दिन के अंदर एक थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाना होगा। और एक सबसे खास बात बताऊं कि इस समय किसी की बातों में मत आना, कि आप किसी दोस्त से बात करोगे ना तो कहोगे यार तूने कितना पढ़ लिया, उसने कहा यार मैंने तो 2 बार रिविजन कर दिया, मैंने 3 बार रिविजन, अगर आपका 1 बार भी नहीं हुआ ना तो आप कहीं भैंस वो पानी में चली गई, क्योंकि ये सुनते चली जाएगी, और 2 बार कर लिया, अब उसको तो क्या कहे मन में, मरा दिया मैंने तो 1 बार भी नहीं किया, फिर दे स्पीड पन्ने फटाफट पन्ने पलटना स्टार्ट, ये वो
दूसरे दिन फोन, हेलो हाँ भाई तूने कितना, मैंने एक, यार मैंने 2 बार कर दिया, वजन कर दिया। अरे क्यों कर रहे हो ऐसा, ऐसा नहीं करना है। किसको बता रहे हो, किसको, कोई इनाम थोड़ी ना मिल रहा आपको या अवार्ड देगा 2 या 3 बार रिविजन कर लोगे। लेकिन कोशिश करो कि बेहतर कर पाए, और बेहतर के चक्कर में जो है उसको मत खराब कर देना। मैं तो यही कहूँगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अंतिम समय है। ज़्यादातर कनेक्टर हो गए इधर उधर से तो 100 बातें निकल के आएगी, 100 बातें निकल के आएगी तो कहीं ना कहीं ऐसी 1-2 ऐसी बातें जरूर होगी जो आपको डीमोटिव करने की कोशिश करेंगी, और होगी, और जब डीमोटिव होगे तो पड़ा हुआ सारा खराब हो जाएगा अंतिम में। इसलिए कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम रखें, चाहे दोस्त हो चाहे रिलेशन में कोई भी हो, उनसे कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम रखें। हाँ, जो मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दें। अब ये समय है कि अपने ऊपर ध्यान देने का, न कि किसी दूसरों की बातों पर। मेरी बेस्ट विशेस है वो आप सभी के साथ है, उम्मीद यही करता हूँ, दुआ यही करेंगे कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का वीडियो के अंदर हो जाए, जो रोज़ रोज़ की मारामारी है, बेरोजगारी है, उससे छुटकारा आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।